हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं द डिज़ाइन क्रिएशन। आज का टॉपिक है ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बने, उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं, उस सभी पर आज हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके जितने भी पॉइंट होते हैं वो आपको क्लियर करा देंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट तक देखेंगे तो इससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बने और कौन कौन से इसमें टूल्स यूज़ होते हैं और इससे कितनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, कितनी सैलरी लास्ट में हम ग्राफिक डिज़ाइनर बन के हमें स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिल सकती है। ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए कुछ बेसिक्स नीड्स होती हैं, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर एक, स्केचिंग करना। जैसे हम पेंसिल स्केच करते हैं, ड्राइंग्स हमारी किस लेवल की है और ड्राइंग्स बनाते हुए हमें किस तरह का फील होता है और कितनी अच्छी हम ड्राइंग्स बना सकते हैं, तो इससे आपका पता चल जाता है कि आप डिज़ाइनिंग के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। और इसमें नंबर टू पर आता है कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। और इमेजिनेशन पावर अगर आपकी परफेक्ट है तो आप एक अच्छे बेस्ट डिज़ाइनर बन सकते हो। नंबर तीन, इसके टूल्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। टूल्स की नॉलेज तो इंस्टीट्यूट से आपको मिल ही जाएगी, लेकिन इमेजिनेशन पावर और ड्राइंग्स आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टूल्स की नॉलेज ज़रूरी है क्योंकि वो इंस्टीट्यूट से आपको मिल ही जाएगी, लेकिन टूल्स की नॉलेज भी आप कि हमेशा काम नहीं करती है क्योंकि आप तो इंस्टीट्यूट में सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, जैसे फोटोशॉप और कोरल ड्रो, किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिज़ाइन में जो भी चलेगा वो आप सीख जाओगे। लेकिन अच्छा डिज़ाइनर बनने के लिए आपको स्केचिंग वगैरह खुद घर पर करनी चाहिए और आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। उससे क्या होगा कि जब भी आप कोई भी काम करोगे, जो कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है आपको, तो उसमें आपको उसकी हेल्प मिलेगी। सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख कर ही अच्छे डिज़ाइनर नहीं बन सकते हैं, और मैं आगे बताऊंगा कि इसमें और भी कितने कितने किस किस फील्ड में आप जॉब कर सकते हो और किस किस फील्ड में आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद चलते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ नज़र डालते हैं, जिसमें आप बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हो, लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, मैगजीन डिज़ाइन कर सकते हो, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो, जिस बुक्स की डिज़ाइनिंग कर सकते हो, जो भी आप जैसे नॉर्मली शॉप पर बुक्स मिलती हैं उसको सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जैसे कोरल फोटोशॉप से आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट जो पोस्टर्स होते हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं हम, एचिंग डिज़ाइनिंग और लेज़र पे जितने भी डिज़ाइंस बनते हैं, डिज़ाइन कटते हैं, तो उसकी सभी डिज़ाइनिंग हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की साइड। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पर हम काम करेंगे वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कोरल ड्रो, फोटोशॉप, एलिस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, आफ्टर इफेक्ट, इन सभी सॉफ्टवेयर को ग्राफिक डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से हम कोई भी और आसानी से डिज़ाइन बना सकते हैं। नॉर्मली अगर आपसे फोटोशॉप और कोरल ड्रो, ओनली कोरल ड्रो भी आता है तो भी आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, क्योंकि कोरल ड्रो की ज़्यादातर फाइल्स जितनी भी होती हैं वो आपकी एचिंग डिज़ाइन में यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। और जो लेज़र मशीन चलती है उसके जितने भी डिज़ाइन बनते हैं आप कोरल पे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि जो भी लेज़र मशीन्स होती हैं वो सभी कोरल की फ़ाइल एक्सेप्ट कर लेती हैं आसानी से, और जितनी भी आगे मशीनें बनती हैं वो सभी मशीनें कोरल की फ़ाइल आसानी से एक्सेप्ट कर लेती हैं। और बस इसमें ये देखना पड़ता है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उस मशीन के हिसाब से फ़ाइल को उसी हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ता है। जिस एक्सटेंशन में मशीन फाइल लेना चाहती है वो फाइल आप उस एक्सटेंशन में यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन का क्या रोल रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप 12th करने के बाद ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब कर सकते हैं, क्योंकि उस 12th तक हम इतने समझदार हो जाते हैं कि हम डिज़ाइनिंग होती क्या है इतना तो हम समझ ही जाते हैं, कौन सा डिज़ाइन बनाना है, किस सॉफ्टवेयर में बनाना है,
और किस वे में हम डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, कौन किस टॉपिक पर हम डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ये सब हम समझ सकते हैं, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि 12th के बाद कर सकते हैं। नहीं तो अगर एजुकेशन में और स्टडी में आप अच्छे हैं तो मैं मानता हूँ कि 10th के बाद भी आप कर सकते हैं। जब ये कंप्लीट कोर्स कर लेंगे आप, तो इसमें आपकी सैलरी कितनी होगी और कितने से स्टार्टिंग होती है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। देखिए, प्रॉब्लम्स तो स्टार्टिंग में आएंगी, क्योंकि चैलेंजेस मिलेंगे आपको, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम डायरेक्ट कंप्यूटर सीखकर, कंप्यूटर के बाद कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इस टाइप से नॉर्मली सॉफ्टवेयर सीखने के बाद हम चाहते हैं कि हमें सडनली एकदम जॉब मिल जाए। लेकिन जॉब तो आपको मिल जाएगी, हो सकता है 10,000 सैलरी सैलरी और जो होगी आपकी 10,000 से स्टार्टिंग हो, किसी किसी हो सकता है 15,000 से स्टार्टिंग हो। तो अगर आपकी सैलरी इसमें कम भी है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि इसमें जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है उसी हिसाब से सैलरी भी इंक्रीज होती है। सो गाइज, ये था ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बने, इसके मेन इम्पोर्टेंट स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी बनेगी, इसी तरह से जैसे ग्राफिक डिज़ाइन बना के हिसाब से मैंने समझा दिया, इसके बाद एक स्टेप आता है कि 3D डिज़ाइनिंग कैसे करें, कौन कौन से सॉफ्टवेयर में हम 3D डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। फिर ऐसे ही आगे बढ़ने के बाद हम इन ग्राफिक डिज़ाइन, जैसे कोरल है, कोरल के मेन मेन टूल्स कैसे यूज़ किए जाएंगे, वो भी मैं अब कंप्यूटर पे आपको करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़, बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं कि हमें स्टार्टिंग से चलना किस साइड है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर करने हैं, स्टार्टिंग में हमें अच्छी जल्दी अर्निंग करने के लिए पहले कौन से सॉफ्टवेयर सीख लेने चाहिए जिससे हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, अपने सभी फ्रेंड्स को जो भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं और जो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।